नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों पशुओं से सीरम कैसे निकालते हैं। दोस्तों सीरम को हम कलेक्ट करते हैं खून से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरम को समझ लेते हैं। दोस्तों सीरम क्या होता है? खून का एक ऐसा घटक होता है जिसमें जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं और जो थक्का जमाने के लिए जो कारक होते हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं, यानी कि उनका अभाव होता है। यानी कि सीधे शब्दों में हम यह कहें कि इसमें फाइब्रोनोजेन की कमी होती है। लेकिन दोस्तों जो सीरम होता है उसमें जो रक्त प्रोटीन होता है उसमें जो है थक्का जमाने के जो कारकों का यूज़ होता है वो निष्क्रिय होते हैं और वे सभी पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, प्रतिजोन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों जो सीरम का जो कलर होता है वो येलोइश कलर होता है, पीले पीला जो कलर होता है, पीले टाइप में जो है सीरम आपको मिलता है। तो दोस्तों कैसे, क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, गाय में हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स में, तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमें अगर सीरम निकालना है तो ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा गाय और भैंस से। तो दोस्तों हम जुगलर वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जुगलर वेन का जो एरिया होता है, साइट होती है, उस एरिया को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और बीटाडीन और स्पिरिट से उस एरिया को बिल्कुल आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पर इन्फेक्शन होना डर नहीं रहेगा। और दोस्तों उसके बाद आपके पास एक बिल्कुल स्टरलाइज्ड निडल होनी चाहिए जिससे कि आप जो है ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों आपको क्या करना है कि वेन को रेज करना है और रेज करने के बाद आपको निडल अप्लाई करनी है जुगलर वेन में। और दोस्तों आपको 10 से 15 ml या जितने भी क्वांटिटी आपको चाहिए ब्लड की, तो उतना क्वांटिटी में आपको ब्लड कलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों आपको ब्लड ले लेना है सिरिंज में, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ब्लड सिरिंज में लेने के बाद जो भी किसान भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, कोई वेटनरी का स्टूडेंट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है 10 से 15 ml के बीच में, तो आप उसको डाल सकते हैं क्लीन लार्ज पोर टेस्ट ट्यूब में या फिर ग्लास वायल में भी आप इसको डाल सकते हैं। और दोस्तों आपको इन वायल्स में आधा ब्लड डालना है, हाफ वे ऑफ ब्लड डालना है, पूरा जो है हमें नहीं भरना है, नहीं तो जो सीरम की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों और हमें क्या करना है कि जो हाफ वे में हम ब्लड इसमें डालेंगे तो उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में इसको रखना है, यानी कि आधा रोटेट करके हमें इसको रख देना है ताकि इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और ज़्यादा इसको हिलाए नहीं। और दोस्तों उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ब्लड जो है क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों 2 या 3 घंटे में आपको सीरम नहीं मिलेगा। दोस्तों आप इसको 5 मिनट के लिए 3000 RPM पर रख सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि जो येलो कलर का आपको देखने को मिल रहा है और नीचे खून का थक्का है और ऊपर आप देख सकते हैं कि येलोइश कलर का जो आप देख रहे हैं, तो ये होता है गाइस सीरम। सो गाइस यार ये सीरम जो है बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों जो गाय का सीरम होता है वो येलोइश कलर का होता है। और दोस्तों अब इस सीरम को जो है इन कंटेनर आप देख सकते हैं, इन कंटेनर में हमने डाल दिया है, तो ये कंटेनर कुछ इस तरीके के होते हैं। और दोस्तों आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस यार कुछ इस तरीके से सीरम कलेक्ट करते हैं गाय भैंस के खून से। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।